दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बैनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जफरनगर में शनिवार का दिन बदमाशों के लिए काल बनकर आया, जहां पुलिस कप्तान अभिषेक यादव के निर्देशन में चरथावल और मीरापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को घायल कर दिया। वहीं जांसठ पुलिस ने कुख्यात रोहित सांडू को छुड़ाकर भागने वाले चार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। जनपद मुजफ्फरनगर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन इस बार ये गोलियां बदमाशों के लिए काल बन गई, क्योंकि ये गोलियां उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाई। शासन द्वारा जनपदों के पुलिस कप्तानों के तबादले के बाद जनपद मुजफ्फरनगर की कमान आईपीएस अभिषेक यादव को दी गई थी, जहां बदमाशों ने उनके चार्ज संभालते ही जानसर थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी रोहित सांडू को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर उस वक्त फायरिंग कर दी थी, जब मिर्जापुर पुलिस कुख्यात रोहित सांडू को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौट रही थी। तभी एक होटल पर खाना खाने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और कुख्यात रोहित सांडू को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस कप्तान अभिषेक यादव ने रोहित सांडू सहित अन्य बदमाशों की तलाश के लिए सभी थानाध्यक्षों को स्पेशल एडवाइस दी और पैनी निगाहें बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद बदमाशों के लिए शनिवार का दिन काल बन गया। जहां जनपद मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक दो मुठभेड़ हुई, वहीं जांसठ पुलिस रोहित सांडू को लेकर फरार होने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। रोहित सांडू के फरार होने का जो प्रकरण था, उसके अंदर चार लोगों को अरेस्ट किया गया। एनकाउंटर नंबर वन। शनिवार की सुबह बदमाशों और पुलिस की उस वक्त मुठभेड़ हो गई, जब मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में खुसरो लड़वा रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो पुलिस ने पल्सर बाइक पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का इशारा किया। बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया और बदमाशों की गोली पुलिस की जीप में जा लगी। वहीं पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया, जहां बाइक फिसलने से बदमाश गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश का नाम मोहसिन बताया जा रहा है, जो लूट, रंगदारी सहित अन्य मामलों में वांछित चल रहा है, जिस पर सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और बाइक भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की और घायल बदमाश को चिकित्सालय में भर्ती कराया। सुबह जो है चरथावल पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इस पर उधर से जो है एक मोहसिन कुलेड़ी गाँव का रहने वाला है, गुजरा और जो है पुलिस के देख के जो है उसको शंका हुई, तो वो अपना भाग लिया इधर खुसरोपुर रजवाहे की तरफ और पुलिस ने पीछा किया और यहाँ पे आकर उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी, इसकी जवाबी फायरिंग में और उसके बदमाश घायल हुआ और उसकी गिरफ्तारी मौके पर की गई। उसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और धोखा वगैरह बरामद हुआ। कितने बदमाश थे सर? ये दो बदमाश थे, एक बदमाश की तलाश अभी पुलिस कर रही है और ये सहारनपुर से वांटेड चल रहा है, ये डॉक्टर को रंगदारी मांगने के प्रकरण में, और ये थाना स्थानीय से भी हत्या का आरोपी रहा है और जनपद मुजफ्फरनगर में भी इसके कई मुकदमे हैं। सर बता रहे पुलिस की गाड़ी पर भी गोली लगी? हाँ, पुलिस गाड़ी पर गोली लगी है और इसकी पूरी छानबीन मौके पर की गई। एनकाउंटर नंबर टू।
एनकाउंटर का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके कुछ ही घंटों बाद मीरापुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मीरापुर पुलिस जसवाड़ा नहर पर वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सफेद रंग की अपाचे बाइक पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। वायरलेस पर सूचना प्रसारित होते ही मीरापुर पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों का संबलहेड़ा जटवाड़ा मार्ग पर घेर लिया, जहां बदमाशों ने खुद को घेरा दे पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बचे और गोली पेड़ में जा लगी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल दोनों बदमाशों के नाम शुभम पुत्र रामवीर और अमित उर्फ कुकी है। ये दोनों बदमाश बीते दिनों कुख्यात रोहित तांडू को छुड़ाने में शामिल थे। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। जो जटवाड़ा नहर पुल है, मेन उधर जो रोड है उस पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति एक सफ़ेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर बहुत तेज़ी से आए और चेकिंग में बचते हुए बहुत तेज़ी से उधर से भागे। ये सूचना प्रसारित की गई। इंस्पेक्टर मीरापुर, एसएसआई मीरापुर, अन्य पुलिस पार्टी इधर सफेदा पर चेकिंग कर रही थी, इनको भी सूचना मिली तो ये इधर की तरफ आए। तो ये जो पीछे बाइक पड़ी हुई है, इस बाइक पर दो व्यक्ति थे, जिनके द्वारा पुलिस की जीप देखते ही पुलिस की जीप पर पहला फायर किया गया और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से लगातार दो फायर किए गए। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ बल का प्रयोग किया गया, फायरिंग की गई, जिसके पश्चात की जो दो व्यक्ति हैं उनको बुलेट इंजरी हुई है। एक ने अपना नाम अमित बताया, दूसरे ने अपना नाम शुभम बताया। ये व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात बदमाश फरार हुआ है, उससे संबंधित है। इनके द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया, प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, अभी और पूछताछ होना बाकी है, इनका उसमें एक्टिव रोल है। इनाम कितना सर इनको? 25 दोनों को। एक बदमाश, ये जो अभी जो दो लोग हैं इन्हें बुलेट इंजरी हुई है। पुलिस पार्टी की जीप पर भी हमला हुआ है, पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ है, जीप का शीशा भी टूटा है, दोनों पर। और जानसठ पुलिस की कार्यवाही। वही बीते दिनों जानसठ थाना क्षेत्र से कुख्यात रोहित तांडू को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर ले जाने वाले बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों में कुख्यात भूपेंद्र बाफर, रवि राठी, अक्षित देशवाल और संजय पवार शामिल है। इन चारों ने अपनी दुश्मनी के लिए रोहित तांडू को छुड़ाने का प्लान बनाया था, ताकि रोहित के जरिए अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी कुख्यात रोहित तांडू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है, जो इनके साथ था और जंगलों के रास्ते भाग निकला। रोहित सांडू के फरार होने का जो प्रकरण था, उसके अंदर चार लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। और ये संपूर्ण प्रकरण इस तरह रहा है कि भूपेंद्र बाफर, जो कि मेरठ का अपराधी है, पूर्व में 1,00,000 का इनामी भी रहा है, इसके माध्यम से पूरा, और विकी राठी, ये दो लोग हैं जिनके माध्यम से पूरी इसमें भूमिका बनाई गई रोहित सांडू को भगाने के लिए। भूपेंद्र बाफर का इसमें मेन रोल रहा, विकी राठी का सपोर्ट लेते हुए उन लोगों ने पूरी भूमिका बनाई, लोग इकट्ठे करे जिस तरह से रोहित सांडू को भगाया जा सके। इसमें सबसे पहले इनकी जो प्लानिंग रही, प्लानिंग के तहत इन्होंने अलग अलग टीम्स ली अपनी, लड़के लेते हुए उसके बाद इन्होंने गाड़ी हथियाई, गाड़ी इन्होंने 24 तारीख में पानीपत से लूटी। और उस गाड़ी को लूटने के बाद घटना से पहले ये लोग जनपद में मौजूद रहे, दो दिन इन्होंने पूरी रेकी करी। रेकी करने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब जान रहे। घटना के बाद सबसे पहले इसमें जो लड़के थे शुभम और रवि, ये लोग पहुँचे, जो गाड़ी थी, गाड़ी के माध्यम से ही रोहित सांडू और ये शेरू और अक्षत और ये सब लोग फरार हुए। फरार होने के समय शुभम को गोली लगी और जटवाड़ा के पास जाके इन्होंने उस गाड़ी को छोड़ा। गाड़ी को छोड़ने के बाद सांडू और शेरू और उनके साथ दो अज्ञात बदमाश और, ये सब अलग हो गए। और शुभम ने और अमित उर्फ कुकी ने
इन लोगों ने फ़ोन करके अक्षित और रवि को बुलाया। अक्षित और रवि मोटरसाइकिल पे आए, फिर ये चारों लोग मोटरसाइकिल पे गए। भूपेंद्र बाफर इनको बेगमपुर मेरठ में मिला, वहाँ से वो इनको लेके गया। शुभम के गोली लगी थी तो उसका इलाज करवाया गया एक डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, घर पे रख के इसको इलाज कराया गया एक जगह पे। और उसके उपरांत ये लोग अलग अलग बट गए, और इधर से सांडू, शेरू और वो दो लोग अलग हो गए। तो ये दो अलग अलग टीमें रही। इसमें चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र बाफर है, अक्षित है, रवि है। और पुलिस मुठभेड़ हुई है, हाँ, आज जनपद मुजफ्फरनगर में, क्योंकि ये चार लोग अरेस्ट हुए। तो इसमें सबसे पहले जब संजय को अरेस्ट किया गया, तो संजय के अरेस्ट करने के उपरांत इन सभी लोगों के नाम खुले हैं। नाम खुलने के बाद इसमें जो और अपराधी हैं उनके ऊपर 25,000 का इनाम कराया गया। इनाम कराने के उपरांत इसमें भूपेंद्र बाफर को अरेस्ट किया गया, और इसमें अक्षित को अरेस्ट किया गया, इसमें रवि को अरेस्ट किया गया। इन सबके अरेस्टिंग होने के बाद इसमें कुकी और शुभम जो बाकी हैं, उनके अलावा कुकी और शुभम भी फरार थे, तो इनकी और जो बाकी फरार अपराधी हैं उन सभी के लिए जनपद स्तर पे चेकिंग कराई जा रही थी। तो चेकिंग के दौरान जो आपका संबलहेड़ा से जटवाड़ा वाला जो पुल है मीरापुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे जब चेकिंग कराई जा रही थी, तो दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पे गुजरे। चेकिंग के लिए रुकवाया गया तो रुके नहीं और फायर करते हुए निकल गए। तो उसी का पीछा करते हुए उस टीम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उसमें ये जो दो अपराधी इस घटना में हैं, जो दोनों 25,000 के इनामी हैं, अमित उर्फ कुक्की और शुभम, इन दोनों को गोली लगी, ये दोनों उसमें घायल हुए। पूरे प्रकरण में कुल 6 गिरफ्तारियां हैं। सर जो बाफर से पूछताछ में क्या जानकारी मिली है, सुशील उनसे क्या विवाद था जो गैंगवार? देखिए, इनका पुराना विवाद चल रहा है बाफर का सुशील मूझ से, और इसमें जो मेन इनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि बाफर और राठी का जो था कि आप पूर्व में भी विकी राठी के माध्यम से और सांडू के माध्यम से यशपाल राठी की हत्या कराई गई है, जो कि सुशील मूझ का साथी रहा है। अभी भी इनका उद्देश्य ये था कि सांडू को फरार करने के बाद किसी न किसी माध्यम से सुशील मूझ पे अटैक करने का प्रयास था। सुशील मूझ के अलावा कोई और भी टारगेट था जनपद में? बार बार चर्चाओं में था। नहीं, जो मेन टारगेट था वो सुशील मूझ था, और उसके उपरांत हो सकता है ये आगे और चीज़ें टारगेट करते, लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख कारण था जिसके लिए छुड़वाया गया था सांडू को, जो बाफर की प्लानिंग थी और जिसमें राठी भी शामिल था, वो सुशील मूझ ही था। देखिए, इस पूरे प्रकरण में अभी सांडू फरार है और अमित और शेरू नाम का एक अभियुक्त फरार है, और उसके अलावा दो अज्ञात बदमाश हैं जिनको अभी पुलिस ट्रेस कर रही है। और उन दो अज्ञात लोगों के अलावा भी इसमें जितने लोग आएंगे जो और इस प्रकरण में पूरी भूमिका में शामिल रहे, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। जनपद बागपत के जिला मुख्यालय पर चल रहा गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है, जहां किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बागपत में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते आज किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों को क्षेत्रीय दल के साथ भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन मिला है। इस दौरान किसानों ने जिला मुख्यालय परिसर में अर्धनग्न होकर हवन किया और सरकार से जल्द गन्ना भुगतान कराने की मांग की है। दरअसल बागपत के पिलाना ब्लॉक के दत्तनगर में स्थित नरसिंह देव शुगर मिल पर आसपास के गांवों के 900 किसानों पर 3,75,00,000 रुपए बकाया है, जो पिछले सत्र का है, जबकि अब पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है और भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर किसान पिलाना ब्लॉक पर कई दिनों से धरने पर है, और आज इसी के चलते किसानों के धरने को क्षेत्रीय दल और भाकियों का समर्थन मिला है, और सभी ने जिला मुख्यालय परिसर में अर्धनग्न होकर हवन किया। साथ ही मांग की है कि जब सरकार चीनी मिलों को मिल के लिए NOC देने पर देर नहीं करती, तो हमारे भुगतान के बारे में क्यों नहीं सोच रही। किसानों के मुताबिक बच्चों की फीस के लिए भी किसान परिवार मोहताज है, जिसके चलते अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को इस ओर ध्यान देकर जल्द ही गन्ना भुगतान करने की मांग की। इस धरने को 5 दिन लगातार हो गए जी, 6ठा दिन है आज चलते हुए। अर्धनग्न तो हमें जो है जी इसलिए होना पड़ा कि हमने अपने गन्ने किसानों का जो है गन्ना घेरा है, उसमें दत्तनगर सैदपुर में जो एक लगा है शुगर मिल, जिसका नाम है श्री देव नरसिंह प्राइवेट लिमिटेड। इस पे सभी किसानों का वैसे तो जो है 900 किसान इसमें पीड़ित हैं, जिसमें 3,75,00,000 रुपए है। बाकी हमारा अपना पैसा भी है, और नंगे तो हम उसने करी दिया अर्धनगन, क्या हम तो फिर सारे नंगे हो रहे हैं, जैसे सभी का किसानों का हमारा पैसा उस पर बकाया है। मामला इधर है कि किसानों का पेमेंट बकाया है मिल पर 3,75,00,000, और आज कार्मिक अनशन को 6ठा दिन है। अभी तक कोई भी शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ आया नहीं जो कि किसानों की समस्या सुन सके, इसीलिए आज मजबूर होकर के अर्धनग्न व्यवस्था में हमने और सभी किसानों ने मिलकर के हवन किया, जो कि उनकी सद्बुद्धि हो सके और वे किसानों का पेमेंट करा सकें। यहाँ धरने पर उनको आना चाहिए,
और किसानों की समस्या सुननी चाहिए, इसी को लेकर के हमने आज हमन किया। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति है, अगर शासन या प्रशासन नहीं सुनता तो आगामी रणनीति भी तय होगी और हो सकता है अब भूख हड़ताल बहुत जल्द दिन रात 24 घंटे यहाँ शुरू होने वाली है। जनपद शामली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पकड़ा गया बदमाश ग्राम प्रधान की हत्या की फिराक में था। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की झिझाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सुपारी किलर जो कि एक वर्तमान प्रधान की हत्या करने के इरादे से प्रधान की रेकी कर रहा है, पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए उसकी घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक बिना नंबर के संदिग्ध मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश की पहचान कुणाल उर्फ खूनी गांव बलवा थाना सदर कोतवाली के रूप में हुई है। पकड़ा गया बदमाश एक मौजूदा प्रधान की हत्या करने की फिराक में था और उसी की रेखी करने के लिए झिंझाना थाना क्षेत्र में पहुंचा था। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही आशीष भी घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। इस शामली जनपद के थाना झिंझाना क्षेत्र में देर रात एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, उसमें हमारी झिंझाना पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दिखा था। उसमें पूछताछ की कोशिश की गई मगर वो फायरिंग करता हुआ भागने लगा। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की और बदमाश को पैर में गोली लगी और चिल्ला के गिर गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी फायरिंग में हमारे एक सिपाही आशीष को भी गोली लगी है मगर वो खतरे से बाहर है। बदमाश से पूछताछ में जानकारी मिली कि उसका नाम कुणाल उर्फ खूनी है और बलवा गांव का रहने वाला है। एक मौजूदा ग्राम प्रधान के हत्या की सुपारी ले रखी है और उसी फिराक में उरेकी कर रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसको नाकाम कर दिया गया है और इस बदमाश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आज उसको जेल भेजा जाएगा। इस पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र स्थित भैंसीकट के समीप दो कारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खतौली में भैंसीकट के समीप खतौली में दो कारों के बीच भिड़ंत होने से कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डाल 100 ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क में मैगडी के प्रबंधक आसिफ सिद्दीकी भी घायल हुए हैं, जबकि अन्य घायलों को ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर से आ रहे थे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में, मेरे साथ एक साथी रहा जी गुंडा को गाड़ी चला रहे थे, तो सामने से बहुत तेज़ गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी आई जिसमें दिल्ली का कोई परिवार था, उन्होंने इतनी तेज़ टक्कर मारी हमारी साइड में लागे मारी कि वो गाड़ी दोनों डैमेज हो गई और हम सब बहुत घायल हो गए। छः या सात लोग घायल हुए, उसमें हम लोगों को कम चोट है, बाकी 5 लोग गंभीर घायल हैं। फिर लोगों ने फोन कर दिया, एम्बुलेंस को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, तो सब लोग पहुँच गए। वैसी मोड़ से खतौली की तरफ जैसे ही आए तो वहाँ भी एक्सीडेंट। जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जल संचयन हेतु मुजफ्फरनगर दौरे पर आए केंद्रीय अधिकारियों ने चरथावल विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में स्थित तालाबों का निरीक्षण किया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन हेतु जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव ल्यूकस एल कैम्पसन, उप सचिव एस के वशिष्ठ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी मधुकर सिंह ने एडीएम आलोक कुमार, वीडियो चरथावल सजीत हसन,
के साथ चरथावल विकास खंड का दौरा किया। टीम द्वारा ग्राम नगला रई में भारत स्वयं सहायता समूह की नर्सरी का अवलोकन किया। नर्सरी के बारे में केंद्रीय टीम द्वारा यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि स्वयं सहायता समूह की नर्सरी मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित है, साथ ही वर्तमान में 20,000 पौधे लगभग तैयार हैं। नर्सरी संचालक समूह द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत क्षेत्र में होने वाले पौधारोपण में नर्सरी की पौध से पौधारोपण किया जाएगा। इसके पश्चात ग्राम मथुरा में वृक्षा जल संचयन हेतु तालाब तथा मत्स्य पालन हेतु तालाब का अवलोकन किया। इसके पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज में वर्षा जल संचयन की कार्य विधि का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके पश्चात टीम द्वारा ग्राम पीपल शाह में लघु सिंचाई विभाग की चेक डैम का निरीक्षण किया गया तथा उचित दिशा निर्देश दिए गए। ग्राम पीपल शाह के तत्पश्चात ग्राम ज्ञान माशा में तालाब का अवलोकन किया गया और तालाब के अतिरिक्त जल हेतु बनाई गई जल संचयन की पद्धति को देखा गया तथा गांव में नल के अतिरिक्त पानी हेतु सोखता गड्ढा का अवलोकन किया गया। इसके बाद टीम विकासखंड खंड बगरा में वर्षा जल संचयन की स्थिति को देखने के लिए प्रस्थान कर गई। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी साजिद हसन द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा जल संरक्षण हेतु मनरेगा योजना तथा ग्रामीण विकास द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया तथा आगामी कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया। टीम ने उचित निर्देश दिए तथा वर्तमान समय में विकास खंड में कराए जा रहे कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की। जो सरकार का एक जो इंटरवेंशन जो ड्राइव चल रहा है उसमें एफॉरेस्टेशन भी एक पहलू है जिसके ऊपर ध्यान देना है। और जब ये जान के लगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए हैं और वो लोग को एमजी नरेगा में पैसा मिलेगा, वही लोग वहाँ लगाएंगे, तो एक सरकारी एजेंसी से दूसरी सरकारी एजेंसी को वो होगा, उसमें हमारा जो है काम जो है जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर करवाएंगे उधर करेंगे, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और जो एक ग्रीनरी हमने जो करनी है उससे भी हमारे को मदद मिलेगी। तो वही है कि इसको जितने ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं सरकार कोशिश कर रही है और उसी दिशा में ये कदम है जो कि बहुत। जनपद मेरठ एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए 235 किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ एसटीएफ टीम ने एक नशे की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि मेरठ एसटीएफ टीम ने 235 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है जिसे एसटीएफ ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि तस्कर विशाखापट्टनम से वेस्ट यूपी में बेचने के लिए ला रहे थे। एसटीएफ टीम ने ट्रक के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र का है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम को लंबे समय से नशीले और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह की तलाश थी। पुलिस लगातार गिरोह के सदस्यों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी जिसके चलते शनिवार देर रात मेरठ एसटीएफ को सूचना मिली कि उड़ीसा से वेस्ट यूपी में बेचने के लिए बड़ी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है, जिसके चलते एसटीएफ ने पूरी टीम बनाकर मेरठ से कैराना की ओर ला रहे लगभग 235 किलो गांजा बरामद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर आबिद और नादीम को भी गिरफ्तार कर लिया है जो कि शामली के ही रहने वाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस विभाग ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बेसिकली एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी जिसके आधार पर एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था जिसमें सरूरपुर में लगभग 245 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और इसमें दो व्यक्ति हैं, एक नदीम और एक आबिद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों इसे उड़ीसा से ले आते थे और इसको जनपद शामली के कैराना में सप्लाई किया जाना था और बाकी नारकोटिक्स ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन कर दी गई है, उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। करीब 245 केजी इसका वजन है और इसका मूल्यांकन के लिए नारकोटिक्स वाले अभी देख रहे हैं इसकी प्रायोरिटी क्या है, तो थोड़ी देर में वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उस आधार पर फिर हम आप लोग को और अपडेट करेंगे इस मामले से। ये चूंकि अभी तत्काल जल्दी ये पकड़े गए हैं, इनको रिमांड पर लिया जाएगा न्यायालय से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें निकल कर आनी है, इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें और सामने आएंगी वो आप लोग से हम लोग शेयर करेंगे।
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं का जन सैलाब उमड़ा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में ग्राम कसियारा मार्ग पर स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में शनिवार को मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों द्वारा बच्चों के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें सैकड़ों बच्चों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें 80 बच्चों के चयनित होने पर उन्हें मौके पर ही नियुक्त पत्र सौंपे गए। इस मौके पर सेंटर मैनेजर नीरज शर्मा ने बताया कि सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 70 बच्चों को चयनित किया गया है। इतनी अधिक मात्रा में बच्चों को रोजगार मिला है, यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही रहता है कि कौशल केंद्र द्वारा कोई भी छात्र छात्रा निर्धारित कोर्स करके रोजगार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि आज के मेले में 3 बड़ी कंपनियां आई थी, जो सीसीटीवी, मोबाइल रिपेयर, सेल्स, वेयरहाउस आदि में डील करती है। देखिए, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो कि एम्पावर प्रगति द्वारा चलाया गया है, आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कंपनियां हमारे यहाँ आई है। रिटेल के लिए अमेजोन कंपनी आई है, हैंडसेट रिपेयरिंग के लिए सोनीपत से एक हैंडसेट की कंपनी आई है, और सीसीटीवी के लिए दिल्ली से एक सीसीटीवी की कंपनी आई है। और सीसीटीवी वाली कंपनी ने बच्चों को 12,000 रुपए सैलरी का डिस्कस किया। 70 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया थे, जिसमें से 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ विभिन्न विभिन्न कंपनी। तो ये कंपनी जो है अलग अलग स्थान पर होंगी और उन्हें जॉब भी वहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल वहीं करनी पड़ेगी। कुछ कंपनी गुड़गांव में है, कुछ सोनीपत में है और कुछ गाजियाबाद में भी। हमारे जो एजुकेटिव होते हैं, प्लेसमेंट जूनियर सीनियर, वो जाते हैं, बच्चों को छोड़ कर आते हैं, उसके बाद वो अपना कंटिन्यू जॉब करते हैं। बिल्कुल की जाती है। और फिलहाल वक्त तो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। मेरठ पुलिस को देर रात्रि बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख की लूट में शामिल 2 बदमाशों को मेरठ पुलिस ने ढेर कर दिया। घटना में एक दरोगा व एक सिपाही भी घायल हुए हैं। लालकुर्ती थाना इलाके में दिन दहाड़े कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इन बदमाशों ने 2 दिन पहले लालकुर्ती थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस उदय पार्क कॉलोनी पहुंची थी। देर रात गोलियों की आवाज सुनकर कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई और वो अपने घरों से निकल आए। 2 बदमाश को मुठभेड़ में गोली लग गई और बदमाशों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों के नाम शकील और भूरे हैं। मौके से 2 हैंडमेड पिस्टल और लूट के 4.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। एक लूट यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर 5 पुलिस टीमें बनाई हुई थी, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। उसी के क्रम में आज 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे सामने, और कुछ वीडियो फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस टीम आज दबिश में गई थी। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने सूचना दी थी। जब पुलिस टीम फलोपुर थाना क्षेत्र में दबिश के लिए गई तो वहाँ क्रिमिनल्स ने फायरिंग शुरू कर दी। उसमें SO फलोपुर जनक सिंह को गोली लगी और उसको हॉस्पिटल भेजा गया। वार्निंग पुलिस टीम ने दी। एक कांस्टेबल को ही फिर गोली लगी। पुलिस ने जो काउंटर फायर किया, उसमें 2 क्रिमिनल्स को गोली लगी। सबको हॉस्पिटल ले आया गया। उपचार के दौरान 2 क्रिमिनल्स जिनकी डेथ हो गई है, और जो हमारे 2 पुलिसकर्मी हैं उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स उनको उपचार में लगे हुए हैं। आगे जो भी चीज़ डिटेल और निकल के आएगी आपको उससे कुछ रकम उपलब्ध हुई है सर, रकम बरामद की है सर कुछ? हाँ, जहाँ पर मुठभेड़ हुई है वहाँ जो 2 क्रिमिनल्स थे, वहाँ 2 फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। और जो लूट हुई थी जिस व्यक्ति से, उसका ATM और बाकी मोबाइल जो था वो बरामद हुआ उनके बैग से, और करीब 4.25 लाख रुपए के आसपास पैसे बरामद हुए हैं। उनकी काउंटिंग कर रही है। फोरेंसिक की टीम वहाँ पे है जो फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें देख रही है। 4.25 लाख के आसपास उनसे पैसे बरामद। इससे कितने लोग लूट में शामिल थे कुछ पता चला सर? अभी तक जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ में जो सामने आया उसमें ये निकल के आ रहा है कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी उन 3 व्यक्तियों को कल पुलिस रिमांड में लिया जाएगा, और भी जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। घायल पुलिस वालों की हालत कैसी है? अभी उपचार उनका चल रहा है, डॉक्टर लगे हुए हैं और उपचार उनका मतलब ठीक ठाक हालत में अभी फिलहाल। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं मेरठ पुलिस की, जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 बदमाश गिरफ्तार
दो बदमाश ढेर हुए हैं, ये तो खैर जो भी पुलिस की सेन का क्रिमिनल रिकॉर्ड था कुछ, हमारे जो दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं ये हमारे लिए गंभीर विषय है, वो जल्दी सेन क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया इनका दोनों का कुछ? अभी प्रारंभिक तौर पर ये पता चला है कि एक व्यक्ति पे दो दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थे जो हिस्ट्री शीटर था, लेकिन इन चीज़ों की पुष्टि की जा रही है और सारी चीज़ें पुष्टि जैसे होगी आप लोग से। मेरठ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से पीट पीट कर वीडियो भी वायरल कर दिया गया। आपको बता दें कि मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर वीडियो वायरल कर दिया। सीओ हरिओम सिविल लाइन ने बताया कि थाना मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जाँच कराई गयी। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वीडियो वायरल में पिटाई हो रही युवक का नाम लोकेंद्र बताया जा रहा है। वीडियो में लाठी डंडों से एक युवक को पीटा जा रहा है, वीडियो में युवक चीख रहा है लेकिन लोग तमाशबीन बने हुए हैं, किसी ने युवक को छुड़ाने की हिम्मत तक नहीं की। युवक को बचाने के लिए महिलाएं आई तो दबंगों ने महिलाओं को भी धमकाकर खदेड़ दिया। पिट रहे युवक को कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह वीडियो मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र की बताई जा रही है। देखिए वीडियो सामने आया है जिसमें जिसकी जाँच कराई जा रही है और इसमें लोकेंद्र नाम के व्यक्ति की पिटाई कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें मुकदमा कायम हो रहा है, इसकी डॉक्टरी करा ली गई है और ये व्यक्ति को पकड़ लिया, गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब पार्टी को लेकर विवाद बताया जा रहा, बाकी की छानबीन और गहराई से जांच हो रही है। एक व्यक्ति पकड़ लिया गया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।